हेलो एवरीवन सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लेक्चर नंबर थर्ड डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ द बिजनेस सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट द स्कोप ऑफ द बिजनेस एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज सो इफ यू रिमेंबर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम स्कोप ऑफ बिजनेस में दो टाइप के पॉइंट्स होते हैं नंबर वन इज इंडस्ट्री एंड नंबर सेकेंड इज कॉमर्स टू वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज प्राइमरी जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है कॉमर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कॉमर्स इंक्लूड्स टू पॉइंट्स इन दैट नंबर वन इज ट्रेड एंड नंबर सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड एड्स टू ट्रेड का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प टू ट्रेड एनी काइंड ऑफ एंसिलियरी एक्टिविटीज दैट हेल्प्स द ट्रेड टू गेट फ्री फ्लो ऑफ द कमोडिटीज और द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो ये जो ट्रेड uh, होता है ये ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उससे हेल्प करती है तो so, वो सारी चीज़ें हम एड्स टू ट्रेड में एक एक करके पढ़ेंगे तो so, सबसे पहले अगर बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स नंबर न इज ट्रेड एंड नंबर सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड तो ट्रेड और एड्स टू ट्रेड ये दो चीजें कॉमर्स में कवर अप होती है तो so, अगर हम देखें तो कॉमर्स का एक इक्वेशन बनेगा कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड ठीक है कॉमर्स बेसिकली है क्या इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में कवर अप होंगे उसे हम कॉमर्स के नाम से जानेंगे अब कॉमर्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है नंबर वन इज ट्रेड एंड नंबर सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड तो पहले हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी बेसिकली गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो अगर हम किसी को बेचेंगे या सर्विसेज किसी को देंगे तो उसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड मॉनिटरी कंसिडरेशन तो उसे हम ट्रेड के बेसिस पे जानेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रेड का मतलब क्या होता है ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज तो पैसे से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन आप करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचोगे तो उसे हम ट्रेड के नाम से जानेंगे अभी जो ट्रेड है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन इज इंटरनल ट्रेड नंबर सेकेंड इज फॉरेन ट्रेड ठीक है पहले हम इंटरनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं तो इंटरनल ट्रेड क्या है इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है होम ट्रेड ये जो ट्रेड होता है ये सेम कंट्री में किया जाएगा इट इज कंडक्टेड विद इन द सेम कंट्री जैसे लोकल लेवल पे है रीजनल लेवल पे है नेशनल लेवल पे है जैसे कोई अगर मुंबई से गुड्स को बेचे गुजरात में तो ये क्या हुआ ये एक ही कंट्री में ट्रेड होगा तो एक ही कंट्री में जब ट्रेड होता है उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड ठीक है लेकिन इंटरनल ट्रेड के फर्दर दो बाइफरकेशंस है नंबर वन इज होलसेल ट्रेड एंड नंबर सेकेंड इज रिटेल ट्रेड देखो होलसेल ट्रेड का मतलब आप पहले से ही जानते हो होलसेल का मतलब होता है बल्क क्वांटिटीज तो लार्ज क्वांटिटीज में जो भी ट्रेड होगा इट इन्वॉल्व्स इन बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग दैट इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू दी कंज्यूमर्स मतलब बल्क में परचेज करना और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बेचना दैट इज कॉल्ड एज होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है जो तो रिटेलर होता है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में जो तो है स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचेगा तो इट इन्वॉल्व बाइंग इन स्मॉलर लॉट्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इन स्मॉलर लॉट्स मतलब स्मॉलर लॉट्स में ही परचेस करेंगे और स्मॉलर लॉट्स में ही कंज्यूमर्स को पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये गुड्स को बेचा जाएगा सो so, पहले टाइप का ट्रेड क्या है फर्स्ट टाइप का ट्रेड इज इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड के दो पॉइंट्स आपको मैंने वन पॉइंट मतलब दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड करती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर ट्रेड और इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज तो नेशनल बाउंड्रीज मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे देखा जाए तो अगर एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात करें तो इंडिया ने समझो दिल्ली से गुड्स बेचे या मुंबई से गुड्स बेचे यूएसए को अमेरिका को या फिर बाहर जापान को बेचे मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ जब ट्रेड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरन ट्रेड ठीक है फॉरेन ट्रेड फर्दर तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड है नंबर वन इज एक्सपोर्ट ट्रेड नंबर सेकंड इज इंपोर्ट ट्रेड और नंबर थर्ड इज इंटरपोर्ट ट्रेड ट्रेड ध्यान से देखो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी और कंट्री को गुड्स को बेचेंगे समझो इंडिया ने यूएस को गुड्स बेचे तो दैट इज द एक्सपोर्ट ट्रेड अगर इंडिया ने यूएस से गुड्स परचेस कर दिए तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है इट इन्वॉल्व बाइंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ सेलर ऑफ अनदर कंट्री तो जब हम बाय करेंगे तो उसे हम इम्पोर्ट कहेंगे जब हम किसी और कंट्री को सेल करेंगे तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है हम किसी कंट्री से गुड्स को बाय करेंगे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और फिर किसी और कंट्री को बेचेंगे व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन रीएक्सपोर्टेड टू सम अदर कंट्री जैसे इंडिया ने क्या किया जापान से कुछ गुड्स मंगाए वो जापान से जब इंडिया में गुड्स आए उसके बेसिस पे वो गुड्स में कुछ चेंज कर दिए खुद के बेसिस पे और वो चेंज करने के बाद फिर से उसको रीएक्सपोर्ट कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोर्टेड तो फॉरेन ट्रेड तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्सपोर्ट ट्रेड नंबर सेकेंड इज इम्पोर्ट ट्रेड एंड नंबर थर्ड इज इंटरपोर्ट ट्रेड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है ऐसे कौन से कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं विच इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड तो एड्स टू ट्रेड में देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे काफी इजी है इसके एक्सप्लेनेशंस आपको बुक में मिल जाएगा तो नंबर वन इज वेयर हाउसिंग नंबर सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट फिर कम्युनिकेशन मर्केंटाइल एजेंट्स इंश्योरेंस बैंकिंग एडवर्टाइजिंग सेल्समैनशिप देखो अगर हम बात करें वेयरहाउसिंग की वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है गोडाउन जैसे हम गुड्स को बनाएंगे तो हमको गुड्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन लगेगा वेयरहाउस लगेगा तो वेयरहाउस भी ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए हेल्प करता है दैट इज नंबर वन फिर नंबर सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट देखो ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने अगर गुड्स बनाए लेकिन वो गुड्स को अगर हम मार्केट में लेके जाना है तो हमको क्या लगेगा ट्रांसपोर्ट लगेगा देर आर एन नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे लेकिन मैक्सिमम रोडवेज यूज़ होते हैं रोडवेज है रेलवेज़ है एयरवेज़ है, है तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन रोडवेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इसलिए ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल और फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ द इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है पहले तो लेटर ड्राफ्टिंग होता था आजकल तो सब कुछ फैक्स या मेल से जो ऑर्डर है वो प्लेस की जाती है एवरी थिंग इज़ ट्रू ई तो ये पॉइंट भी का, 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 काफ़ी आपको ध्यान रखना है ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो नहीं होता है बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन में कुछ प्रूफ नहीं होता है रिटर्न कम्युनिकेशन या मेल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फॉलो होती है ट्रेड के लिए ठीक है uh, फिर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंश्योरेंस देखो अभी इतने बल्क क्वांटिटीज़ में अगर गुड्स बनाओगे तो लॉस होने के चांसेस भी है कभी फायर ऑकर हो गया कभी कुछ हो गया तो इसीलिए ये कॉन्टिंजेंसीज़ के लिए हम क्या करते हैं हम इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम हम भरते हैं और इंश्योरेंस में अगर हम प्रीमियम प्रॉपरली भरे तो हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं ताकि अगर कभी भी कुछ लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कॉम्पनसेशन मिल पाएगा नेक्स्ट इज बैंकिंग बैंकिंग मतलब बैंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज बैंक्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर द फाइनेंशियल फैक्टर रिलेटेड टू द बिजनेस तो फाइनेंस के लिए भी बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो प्रॉपरली हम बैंक के थ्रू करेंगे बिकॉज बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं रहेगा तो फिर सामने वाले पार्टी आपको पेमेंट कैसे करेगी जैसे अभी जी एस टी नंबर काफ़ी ज़रूरी है उसी तरीके से फिर नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए जब तक आप अपने कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आपका कंज्यूमर्स आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा तो so, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे मीडिया से मीडियम से होते हैं जैसे कि रेडियो से होता है न्यूज़पेपर से होता है मैगज़ीन से होता है टेलीविजन से होता है पैम्पलेट से होता है एफएम से होता है बहुत सारे तरीक़ों से एडवर्टाइजमेंट्स किया जाता है नेक्स्ट इज द मर्केंटाइल एजेंट्स वाला एक पॉइंट बच गया वो मैं लास्ट में बताता हूँ एडवर्टाइजिंग के बाद सेल्समैनशिप सेल्समैन salesman भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कंज्यूमर्स के लाइक्स को कंज्यूमर्स के डिसलाइक्स को कंपनी तक पहुँचाता है और फिर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो उसके ऊपर काम करके नया नया इनोवेटिव चेंजेस लेके आता है फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मर्केंटाइल एजेंट्स जो मैंने ऊपर डाला है तो अभी मैं आपको मर्केंटाइल एजेंट्स बताता हूँ मर्केंटाइल एजेंट्स कौन ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो एक बायर और सेलर के बीच में मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं जो बायर्स के बेसिस पे भी एक्ट करेंगे और कंज्यूमर्स के लाइक्स और प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखेंगे सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगा काफ़ी फेवरेबल होगा और काफ़ी अच्छा हेल्प कंपनी को मिलेगा तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में पढ़ा कॉमर्स कॉमर्स के दो पॉइंट्स हमने कवर किए कॉमर्स दो पॉइंट्स में डिवाइड होता है नंबर वन इज ट्रेड एंड नंबर सेकंड इज एड्स टू ट्रेड ट्रेड में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वन इज इंटरनल ट्रेड एंड अनदर इज़ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड की अगर बात करें तो उसमें होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड कवर होता है और एक्सटर्नल ट्रेड की अगर बात करें तो उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट कवर होता है फिर एड्स टू ट्रेड में अभी हमने ये सारी चीज़ें कवर की वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मर्केंटाइल एजेंट्स इंश्योरेंस बैंकिंग एडवर्टाइजिंग सेल्समैनशिप ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन हेल्पिंग दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेड दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर फॉर टुडे सो वी हैव लर्न अबाउट द पॉइंट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अभी और वीडियो को लाइक कर लेना अगले बार आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम टू तो टाइम मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर